हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक। खबर उज्जैन से। उज्जैन में अधिकारी के हौसले के आगे कोरोना भी पस्त। उज्जैन जिले में कोरोना के चलते भारी लूटमार देखी जा सकती है। उज्जैन में कोरोना बचाव के लिए प्रत्येक चौराहों पर प्रशासनिक अमला अलर्ट है और चौराहों पर मास्क न लगाए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पर कुछ जांच टीम जिलाधीश के आदेशों का उल्लंघन कर सिर्फ आम जनों को एकत्रित कर सिर्फ शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हैं। कोरोना जागरूकता वाहन के आगे आम जनों के चालान फाड़ने में लगी है। जिन्होंने मास्क पहना है उनसे भी राशि की अवैध उगाही की जा रही है और जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनसे भी बड़ी बात तो यह है कि अधिकारी इस मामले को वाहन के अंदर से ही देख सिर्फ चालानी कार्रवाई को देख रहे हैं। पर अधिकारी चालानी में इतने व्यस्त हैं कि इन्हें कोरोना का कोई डर नहीं। दरअसल कोरोना के नाम से जबरन रसीद काटने का मामला उज्जैन के कोतवाली क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां पटेल नगर हनुमान मंदिर के पास चेकिंग दल व पुलिस कर्मियों ने मास्क पहनने व न पहनने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। बड़ी बात यह है कि वहां अमले द्वारा बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए वाहन के आगे ही भीड़ एकत्रित की गई थी। जब इस संबंध में अधिकारी से चर्चा की गई तो कैमरे से दूर जा अपनी बगले झांकते दिखे। इस कार्रवाई से आमजनों में आक्रोश है तो वहीं जिलाधीश आशीष सिंह व पुलिस अधीक्षक के आदेशों को भी पोल खुल रही है। उज्जैन से शेर नियामत अली की रिपोर्ट। कार्रवाई की और ये क्या चालान बनाया आपका? मैंने मास्क पहना रखा था फिर भी मैंने चालान बनाया और गाड़ी के कागज पूरे कंप्लीट है, सब पूरे कागज कंप्लीट। गाड़ी कितने रुपए का चालान बनाया? 100 रुपए का। गाड़ी के कागज आपके कंप्लीट थे? कंप्लीट है भाई। उसके बावजूद भी आपके आपने बात करी अधिकारी से? आपने बात करी? बात पहले आपसे कितनी राशि मांग रहे थे? 100 रुपये मांग रहे थे। पहले भी 100 रुपये मांग रहे थे। 100 रुपये का चालान बनाने के बाद भी गाड़ी छोड़ी आपने? हाँ। आपने मास्क लगा रखा था? मास्क लगा रखा था। क्या नाम क्या आपका? मेहरवान मानी। और तो बोलने जाए तो सर ऐसे ही लगा दी, बिना गाड़ी से समस्या लगा दी। आप सर यहाँ पे जैसे आप गाड़ी में बैठे और यहाँ पे कैसे लोगों डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं? जी ये सामने आप देखे ना, आपके सामने डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। चल सकता है, हो सकता है सर।